हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ रेसिपी कॉर्नर। मैं हूं निरुपमा और आज हम आपके लिए लाए हैं रसगुल्ले की रेसिपी, जिसे हमने सूजी से बनाया है। तो ये जो सूजी के रसगुल्ले हैं वो बहुत ही कम सामान में झटपट बन जाते हैं, एकदम परफेक्ट स्पॉन्जी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम झटपट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सूजी के रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक ले रहे हैं और उसमें हमने एक कप दूध ऐड कर दिया है। तो सारी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट और रेशियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप उसे चेक कर लें। तो यहाँ पे हम दूध गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे, तो घी हमने यहाँ पर एक छोटा चम्मच ऐड किया है। तो दूध जो हमने लिया है ये बॉईल किया हुआ दूध था, रूम टेम्परेचर पे आप चाहें तो कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं और उसे थोड़ा सा गर्म होने देने के बाद ही आपको उसमें घी ऐड करना है। तो दूध को हम एक बॉईल आने देंगे। तो देखिए दूध हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है और उसमें उबाल आने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी ऐड करेंगे। सूजी हमें एक बार में नहीं डालना है, सूजी या रवा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाएँ। तो सूजी के रेशियो की अगर बात करें तो हमने यहाँ पे एक कप दूध लिया है और आधा कप सूजी लिया है। सूजी हमने बारीक यूज़ की है, तो अगर आपके पास में बारीक सूजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोटी सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। और सूजी डालने के बाद में हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाएँ, और इसे लगातार चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि ये इकट्ठा हो जाए और एक डो फॉर्म कर ले। तो आप देख सकते हैं कि ये डो जैसा फॉर्म होता जा रहा है और इसने अपनी साइड्स को छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा जो सूजी है वो रेडी है। तो लगभग 3 मिनट पकाने के बाद में सूजी हमारी रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में या किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो आपने जितना भी सूजी लिया है उसके डबल रेशियो में आप दूध ऐड करें, उससे ज़्यादा आप ऐड ना करें ताकि आपकी बाइंडिंग तो हो जाए लेकिन आपका ये जो सूजी का डो बनने वाला है बहुत ज़्यादा गीला ना हो। तो सूजी हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी करेंगे। कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए हमें अच्छे से सूजी को मसल के एक सार कर लेना है और इसका एक चिकना सा डो बनाना है। बहुत ही सॉफ्ट डो नहीं होगा लेकिन डो जो होगा वो विदाउट क्रैक एकदम चिकना सा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। बहुत लोग सॉफ्ट को थोड़ा गीला समझते हैं या थोड़ा सा ढीला डो समझते हैं, वो वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो रसगुल्ले हैं, मतलब हम जो सूजी के रसगुल्ले बनाने वाले हैं उसे हम चाशनी में उबालेंगे और बहुत ज़्यादा वो चाशनी को सोक करेगा। तो अगर आपका डो बहुत ढीला होगा तो सूजी जो है वो खुल जाएगी और आपका जो रसगुल्ला है वो फट जाएगा, क्रैक नहीं होगा क्योंकि हम सूजी के जो रसगुल्ले हैं वो चाशनी में उबालने वाले हैं, लेकिन वो खुल जाएगा, फट जाएगा, अलग अलग सा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसको अच्छे से मसलना ज़रूरी है। तो 6 से 7 मिनट के लिए हमने इसे मसल लिया है। आप देख पा रहे हैं कि ये टाइट डो है बट एक सार हो गया है और चिकना हो गया है। आपको अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा घी आप और ऐड कर सकते हैं इसको मसलते समय। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। आपको जिस साइज़ का रसगुल्ला चाहिए आप उतना ही साइज़ लेके इसके बॉल्स रेडी करें। तो जब आप इसके बॉल्स बनाएंगे तो हाथों को थोड़ा सा प्रेशर दें, प्रेशर दे के बनाएँ, ढीला रख के नहीं बनाएँ नहीं तो इसमें क्रैक्स रह जाएंगे। तो हाथों को प्रेशर दे के थोड़ा ताकत लगा के एकदम स्मूथ सा बॉल रेडी कर लें। तो ये देखिए कितना स्मूथ बॉल विदाउट एनी क्रैक रेडी हो गया है, कितना इजी था इसे बनाना। आप देख सकते हैं कितना सही, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, ये बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह से हमने सारे बॉल्स को रेडी कर लिया है। आपको जो भी रसगुल्ले का साइज़ चाहिए आप उस साइज़ के रसगुल्ले छोटे बड़े बना सकते हैं। तो सूजी के बॉल्स हमारे सारे रेडी हैं, अब हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पतीला लिया है, हम यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे और इसकी हम चाशनी रेडी करेंगे। तो अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए
ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए हमारा शुगर जो है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगा है। शुगर जैसे ही पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और पानी में उबाल आने लगता है, हम इसमें कुछ हरी इलायची ऐड करेंगे। आप चाहें तो हरी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप हरी इलायची को थोड़ा सा स्प्लिट करके इसमें डाल सकते हैं। ये फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको लगभग हमें 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल होने देना है। तो पानी को 3 से 4 मिनट बॉईल होने देने के बाद में हम इसमें सूजी के जो बॉल्स हमने रेडी किए थे एक एक करके डाल देंगे। उसके पहले हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और इसमें एक एक करके सारे बॉल्स ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास में अगर केसर के धागे नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे परफेक्ट स्पॉन्जी से रसगुल्ले बिल्कुल फूल गए हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से रस को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए सेट होने देंगे। तो देखा आपने सूजी से कितने कम सामान में कितने झटपट से ये रसगुल्ले रेडी हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल हो, इसे झटपट बनाइए और सर्व कीजिए। और हमें कमेंट में बताना ना भूलिए कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।